धर्मशाला में मुकाबला बेहद दिलचस्प और 273 का रन जो है वो अभी एक स्कोर खड़ा किया है न्यूजीलैंड ने, और इसी को लेकर आप किसी भी वक्त देखिए जो है वो टारगेट दिया जा सकता है। कपिल पाजी मेरे साथ स्टूडियो में है। सर, मैच को देखकर अभी तक आपका क्या आंकलन? दोनों चीज आती है, ये भी कह सकते हैं बड़ी अच्छी फील्डिंग की और बहुत बुरी फील्डिंग की। ये एक्सपेक्ट नहीं करते इस स्टेज पर इतने कैचेस ड्रॉप करोगे। अगर ऐसे कैचेस ड्रॉप करोगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। पर कहीं ना कहीं हमें ये भी चर्चा करनी होगी कि बहुत अच्छी फील्डिंग भी की, बहुत सारे रन भी बचाए। मिला जुला कर आप खुश भी हैं और नाराज़ भी हैं। लेकिन जो हम सुबह बात कर रहे थे कि 280 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल, वहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है, जो मैं कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ है टीम इंडिया को चेस करने के लिए। और सर, जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने जो एक बहुत ही स्मूथ कैच छोड़ा रचिन रविंद्र का, वो क्या लग रहा है आपको कि वहीं से थोड़ी डीरेल हो गया था कई मैच? जी ऐसा था, लगा कि एक्सपेक्ट नहीं करते। दो तीन कैच बुमराह ने भी छोड़ा, जडेजा ने भी छोड़ा, लेकिन ये क्रिकेट में होता है। ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि अच्छा सर, और देखिए अब टारगेट भी आ गया है, 273 का टारगेट, 274 रनों का लक्ष्य दिया गया है। 273 पर ऑल आउट हो गई है न्यूजीलैंड की टीम। वर्ल्ड कप के इस महा मुकाबले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता देते हैं। शमी ने, देखिए शमी ने टीम की किस तरीके से, एक तरीके से कमबैक इसे कहा जा रहा है, सही कह रही हूं मैं सर? शमी ने जिस तरीके से आखिर में एक के बाद एक विकेट झटके, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप 5 रन से कम इस विकेट पे रन देते हो, आखिर में जब एक बल्लेबाज 100 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है और आप रन पकड़ के रखते हो, तो इसलिए शमी को कहेंगे कि हाँ विकेट जरूर मिले लेकिन गेंदबाजी भी बेहतर की। और 274 रनों का लक्ष्य कुलदीप यादव ने, देखिए 2 विकेट निकाले हैं शमी ने सबसे ज्यादा, और यहां पर न्यूजीलैंड 273 रन पर ऑल आउट हो चुकी है। बुमराह सिराज को भी एक एक विकेट मिला है। शमी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके हैं। कपिल पाजी, 274 रनों का ये टारगेट चेस करना मुश्किल होगा या क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुश्किल होना नहीं चाहिए। अगर ड्यू आती है और जहां पर कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा पिच और बैटिंग के लिए बेटर होगा, तो मैं ये कहूंगा कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले 6 ओवर से 8 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर अगर विकेट नहीं खोते तो फिर इंडियन टीम को ये चेस करते हुए कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।